हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। जो ड्राइंग कर रहे हैं या ड्राइंग करने वाले हैं या ड्राइंग करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि हम अपने स्केच में शेडिंग के बाद जो ब्लेंडिंग होता है वो किस किस टूल से करें, ठीक है। एक जेन्युइन कौन से टूल्स हमारे पास होने चाहिए बिगिनर्स के पास, जो अपने स्केच में ब्लेंडिंग कर सके, ठीक है। तो काफ़ी लोग तो शेडिंग भी अच्छे से कर लेते हैं, ड्राइंग भी अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो ब्लेंडिंग होता है वो अच्छे से नहीं कर पाते, जिसके कारण उनका जो ड्राइंग है वो अच्छा देखने में नहीं लगता है, या बोले तो रियलिस्टिक नहीं लगता है, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम का आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से एक जेन्युइन टूल्स हों बिगनर्स के पास। मैं कोई हाईफाई क्वालिटी का नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एक बिगनर्स के पास कौन कौन से एक जेन्युइन टूल हो जिससे वो ब्लेंड कर सके अपने स्केच में, ठीक है। डिस्कस इसी पर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हमने पेपर यहाँ पर जो है वो लिया है आइवरी का, ठीक है, जो कि 150 GSM का है, ठीक है। हम पेपर को टेप अप कर लेते हैं, ठीक है। गाइज, हमारे पास यहाँ ब्लेंडिंग करने के लिए तीन तीन टूल्स है, ठीक है। मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कौन कौन से टूल्स क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा ब्लेंडिंग स्टम्प, ठीक है, जो कि ये भी पेपर का बना ही रहता है, ठीक है। ये भी, इससे भी ब्लेंडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। मैं ब्लेंड करके सबको एक एक करके मैं दिखाऊंगा। तो पहला नंबर पर ये आता है, ठीक है, इससे भी ब्लेंड आप कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर हमारा आता है एयर बॉक्स, इसे हम कान साफ़ करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। ये भी आपको मार्केट में काफ़ी चीप क्वालिटी में मिल जाएगा, ठीक है, जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इससे भी मैं ब्लेंड करता हूँ, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये आ गया हमारा। थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है हमारा टिश्यू पेपर, ठीक है। टिश्यू पेपर से भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर आप ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किससे कैसा टेक्सचर आता है। तो गाइज, हमने पेंसिल यहाँ पर लिया है डोम्स का, ठीक है, 6B पेंसिल, ठीक है। आप कोई भी पेंसिल लेके सेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेट करेंगे, ठीक है। हम लोग एयर बॉक्स का यूज करेंगे, ठीक है। इससे हम लोग ब्लेंड करके देखेंगे कैसा ब्लेंडिंग होता है। बस आपको सिंपल तरीके से ब्लेंड करना है, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है इसमें भी। यहाँ पे ब्लेंडिंग हो चुका है कंप्लीट। तो आपको मैं दिखा दूँ इसका टेक्सचर, कुछ इस तरह का टेक्सचर आया है, ठीक है। अभी हम कंपेरिजन नहीं कर सकते जब तक कि तीनों का हम लोग ब्लेंडिंग नहीं कर लेते, ठीक है। तो हमारा एयरबॉक्स का इस तरह का ब्लेंडिंग आया। अब देखेंगे हम लोग सेकेंड नंबर पर, देखेंगे स्टम्प का, ठीक है, स्टम्प पेपर का, ठीक है। तो गाइज, हमारा यहाँ पे शेडिंग हो चुका है कंप्लीट। हम ब्लेंडिंग स्टम्प का अब यूज़ करके देखेंगे ब्लेंड करके, ठीक है। तो ये रहा हमारा पास ब्लेंडिंग स्टम्प। आपको सिंपली आपको ब्लेंड करना है, ठीक है, जैसे हमने ब्लेंड किया फर्स्ट वाले को। थर्ड नंबर पे आता है टिश्यू पेपर, ठीक है। तो इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। बस आपको सिंपली आपको इसको ब्लेंड करना है, ठीक है। हमारा जो ब्लेंडिंग है हो चुका है कंप्लीट। तो आपको कंपेरिजन काफ़ी ज़्यादा मिलेगा गाइस देखने में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपका नज़र यहीं पे जा रहा होगा कि इससे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर मिलता है। हाँ गाइस, तो आपका कहना सही है, आपका मानना भी सही है, ठीक है, कि अगर टिश्यू पेपर की बात करें तो इससे जो ब्लेंडिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर देता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर यहाँ पे मिला है हमको। और यहीं स्टम्प पेपर का इसके बदले में देखिए, इसके अपेक्षा में अगर तो कंपेरिजन में तो इसमें भी अच्छा है, लेकिन इसमें जो स्मूथ टेक्सचर है वो नहीं मिला, ठीक है, लेकिन इसमें भी काफ़ी अच्छा है इससे, ठीक है। तो अगर हम एयरबॉक्स की बात करें तो ये, तो अगर इसकी अपेक्षा में बात करें ब्लेंडिंग स्टैम्प पेपर में, तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब ही है, ठीक है। इसमें स्मूथ टेक्सचर आपको नहीं मिल रहा है, इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम टिश्यू पेपर की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर आपको मिल रहा है, ठीक है गाइस, जो कि काफ़ी अच्छा आपको देखने में लग रहा है, ठीक है। तो मैं बता दूँ, मैं मेथड जो यूज़ करता हूँ, मैं उजवली जो है वो ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज़ करता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ टिश्यू पेपर का। इससे क्योंकि स्मूथ टेक्सचर आता है आपके ड्राइंग या स्केच में, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टिश्यू पेपर का भी उपयोग करें, ठीक है। ब्लेंडिंग स्टम्प
का भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप टिश्यू पेपर का उपयोग ज़्यादा करें, ठीक है। तो आई होप गाइज कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, ट्यूटोरियल पाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।